में पांचवी से लेकर आठवीं कक्षा तक के स्कूल भी खुल गए। स्कूल खुलने के बाद रौनक तो लौट आई, लेकिन छात्रों की उपस्थिति कम रही। मनपा के प्रवर्तन विभाग के अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते ने सिटी के सभी जोन में अनेक सड़कों पर फुटपाथ पर जमे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस कार्रवाई में कुल 320 अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कर्मचारी ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। कानपुर रोड पर स्थित फ्लैट में उसकी लाश पाई गई। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या कम होती जा रही, लेकिन नागपुर के साथ ही भंडारा जिले में उम्मीद के अनुरूप स्थिति नहीं है। राज्य में मृत्यु दर 2.52% है, जबकि जिले में मृत्यु दर 3.8% है। एक बार फिर सिटी में ठंडी लौट आई है। उत्तरी हवाओं के विक्षोभ का असर यहां भी हो रहा है। नागपुर या विदर्भ के अन्य जिलों को जिला नियोजन समिति के तहत कम निधि देकर विकास कार्यों को रोकने के आरोप बेबुनियाद है। यह बात उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कही। जय श्री राम अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक मंडल और पदाधिकारियों द्वारा किए गए घोटाले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह घोटाला 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। उप मुख्यमंत्री व वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि डीसीपी फंड का 1 रुपया भी अखर्चित नहीं रहना चाहिए। इस दृष्टि से नियोजन करें। घरेलू कलह के चलते अपने परिवार से अलग रह रहे पिता ने अपने बेटे के घर में आग लगा दी। समय रहते घटना का पता चलने से आग ज्यादा फैली है। सोमवार को यातायात विभाग ने एसटी बस स्टैंड सीताबर्डी चौक समेत शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर ऑटो व बस चालकों पर कार्रवाई की।